Good morning everyone. My name is Kuldeep Dwivedi and I am assistant professor at Mechanical Engineering Department in AIST Sagar. So today we have to demonstrate the model of Francis turbine. Francis turbine is basically an inward flow reaction turbine. So जैसा आप देख सकते हैं जो ये turbine है इससे एक पेनस्टॉक कनेक्ट होता है जो पाइपलाइन होती है जो रिजर्वायर से आती है यहाँ पर तो यहाँ पे यहाँ से होते हुए ये जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका जो एरिया है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता जा रहा है यहाँ पे आपका एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे आपका जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो इस केसिंग को हम लोग स्पायरल केसिंग या वॉल्यूट केसिंग कहते हैं ये जो है आपके ये आपकी गाइडिंग वेन्स हैं ये आपका रोटर है और ये जो है आपकी ये रोटर वेन्स है तो ये बेसिकली आपके सारे कंपोनेंट्स हैं इस टर्बाइन के सबसे पहले पानी पेनस्टॉक से होते हुए यहाँ पर आता है इनलेट पे आता है धीरे धीरे उसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि जो इसका एरिया है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है फिर इसके बाद ये जो गाइड वेन्स हैं इसके ऊपर हमारा पानी इंजेक्ट होता है गाइड वेन्स हैं इसकी जो होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं जबकि कपलाइन टर्बाइन की हम बात करें तो उसमें जो गाइड वेन्स होती हैं वो एडजस्टेबल होती हैं फिर गाइड वेन्स हमको प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं और दूसरा एक पर्टिकुलर एंगल जो डिजायर्ड एंगल है हमारे उस एंगल पे वाटर को इंसिडेंट करने में हेल्प करती हैं फिर गाइड वेन्स से होके हमारा इसमें आप देख सकते हैं कई सारी ओपनिंग्स होती हैं तो गाइड वेन्स से होते हुए हमारा जो पानी होता है वो रोटर ब्लेड्स पर आता है इसमें आप देख सकते हैं ये जो रोटर ब्लेड्स हैं इनको हम फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स कहते हैं क्योंकि इस तरीके की कर्व्ड है इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स जो होती हैं वो हाई एफिशिएंट वो हाई प्रेशर रेशियो अटेन करने में मदद करती हैं जबकि यदि हम इसमें बैकवर्ड वेन्स का यूज़ करें तो वो हाईली एफिशिएंट होती हैं तो यदि हमें एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती है तो हम बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का यूज़ करते हैं और यदि हमें प्रेशर रेशियो हाई चाहिए होता है तो हम फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स का यूज़ करते हैं और यदि हम मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन की बात करें तो इसमें इम्पल्स और रिएक्शन दोनों इफेक्ट की वजह से जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो बेसिकली ये आपका मॉडल है इसके नीचे इस मॉडल में आपको नहीं देखेगा लेकिन जो एग्जिट होता है टर्बाइन का उसमें हम मेनली ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं ताकि हम टर्बाइन को एटमोस्फेरिक कंडीशन के नीचे भी ऑपरेट कर सकें और जो हमारा वेलोसिटी हेड है उसको भी रिड्यूस कर सकें तो सबसे पहले पानी यहाँ जाएगा फिर डिफ्यूज़र फिर यहाँ से होते हुए गाइड वेन्स से होते हुए ये रोटर वेन्स में इंटर करेगा फिर यहाँ पे रोटर के जो सेंट्रल है यहाँ पर आता है फिर यहाँ पे एक डिस्चार्ज लग यहाँ पे आपका जो पाइपलाइन होती है आप देख सकते हैं इस तरीके का फिर यहाँ से वो डिस्चार्ज होते हुए निकल जाता है ये जो होती है पेल्टन टर्बाइन होती है हमारी जो हाई हेड टर्बाइन होती है लेकिन जो ये है होती है फ्रांसिस टर्बाइन ये मॉडरेट हेड के उसमें ऑपरेट करती है लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है पेल्टन व्हील के कंपैरिजन में स्पेसिफिक स्पीड बेसिकली साइज ऑफ द टर्बाइन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है इट मींस कि इसकी जो साइज़ है वो पेल्टन टर्बाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा वर्क आउटपुट अटेन करने में हमको मदद करती है